बिहार में एक बार फिर से पूर्वैया हवा का आगमन हो गया है। इसके साथ ही तापमान में लगातार तेजी से गिरावट आ रही है। बताते चले कि पटना सहित प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश भी हो रही है। इसको लेकर मौसम काफ़ी सुहावना हो गया है। सुबह सुबह मौसम का इस मिजाज को देखते हुए पटना में कई लोगों ने घर से बाहर निकलकर एंजॉय करते हुए भी देखा गया। बता दें कि अनिसाबाद स्थित मौसम वैज्ञानिक केंद्र में यहाँ पर जो मौसम वैज्ञानिक हैं आनंद शंकर, उनका माने तो बिहार में साइक्लोन की कोई खतरा नहीं है। उनका ये कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा, यानी कि मौसम में लगातार जो गिरावट है वो बना रहेगा। और चूंकि बिहार में पूर्वैया हवा के आगमन होने के साथ मौसम जो है वो काफ़ी सुहावना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। जैसा कि देखिए, जो साइक्लोन आसानी है, जो कि अभी सुपर साइक्लो सॉरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के स्टेज में पहुंचने वाली है, तो उसका आंशिक प्रभाव, सिर्फ और सिर्फ आंशिक प्रभाव बिहार राज्य में पड़ने की आशंका है। इसके कारण से आप देख सकते हैं कि बिहार में लोअर लेवल पे दक्षिणी पूर्वी हवा और दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रवाह बना हुआ। इस प्रवाह के कारण मॉइस्चर फीडिंग हो रही है बिहार में। इस कारण से हल्की थंडरस्टॉर्म वगैरह की फॉर्मेशन वगैरह हो रही है। तो कह सकते हैं कि बिहार में लोगों को हीट वेव, कह सकते हैं गर्मी से राहत मिली है। जयसवाल न्यूज़ के लिए पटना से राजीव कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।